नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, ठंड लग की गला बैठ गया और आंसू का भी लग रही ठंड से, इसकी भी तबीयत डाउन थी, नजला हो रहा। वैसे तो आज दिन बढ़िया हो रहा, धूप निकल रही, मैं बैक कैम, हाँ तो 3-4 दिन में निकली यार, बारिश हो रही थी। हाँ, मैं बैक कैमरे से दिखा दूँ आपको, ये देखो बढ़िया दिन हो रहा। और आरो का मजा आ रहा पूरा, धूम में बार बार पकड़ पकड़ के लावे, यहाँ बैठो सारे के सारे। तो जी, मैं आपको बता दूँ, हमारा प्रोग्राम बन रहा है बुढ़ाने जाने का। और बुढ़ाने तो क्या लाना आसो बताओ जी आपको। सबसे पहले तो बता दूँ, मैं हमें जाना शादी में कल, वो कई दिन से मैंने पहले भी बताया था, जहाँ पे मैं गई थी पहले वहाँ तैयारी करवाने के लिए, तो वहाँ शादी में जाना कल, तो उसी के लिए थोड़ा सा सामान लाना, कुछ सामान तो लाना तो ज्यादा था, लेकिन कल इंदु ने भिजवा दिया, भैया गए थे ना उसी गाड़ी में आ गया, तो अब जो जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो है नहीं सामान, थोड़ा थोड़ा जो भी है वो लेके आएंगे, तो उसके लिए हम जा रहे हैं बाजार में, और जो भी लाएंगे आपको सब कुछ दिखाऊंगी आगे, वहां जाके आपको नहीं दिखाने की, फिर आप बोलो कि आप तो ऐड करो। और आज तक ये बात एक मैं आपको क्लियर कर दूं, आज तक मैंने कोई भी ऐड नहीं किया किसी का भी। वो है कि किसी की शॉप पे जाते हैं तो वही मतलब शॉप का वो तो दिख ही जाता है एड्रेस वगैरह, बाकी मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं उसके लिए ऐड करूं। मैं तो ये है जा रही तो आपको दिख जाता है, जब कैमरा हम वहां पे चलाते हैं तो दिखता ही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और आज मैं वहां का कुछ नहीं दिखाऊंगी, इसलिए आपको यही ला कर दिखाऊंगी सारा सामान। हाँ, जो दिखाऊंगी अगर हमें कोई ऐड मिला तो आगे करेंगे भी यार। नहीं, आगे कर लेंगे, अब तक तो अब तक कोई नहीं है। क्या कह रहा था कि तुम तो सारा दिन ऐड करते फिरो, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, जब बाजार में जागे यू बताओ, बिना बाजार जाए बिना ऐड करे तो शॉपिंग भी तो अपने लिए भी तो करी जा, या ऐड ऐड के लिए ही की जा, ये बताओ आप। अपने लिए भी तो करते हैं, अपने लिए ही जो कर रहे हैं आज तक वही दिखाया अब तक तो, और ऐड भी करना भी है भाई, देख सबका अपना अपना काम है जो भी है, तो अगर करना पड़ा वो भी करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा, मैंने जैसे शॉप पे गई थी मैं पहले दिखाया था आपको, तो आपने बोला था कि ऐड करते फिर रहे हैं आप तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, शॉप पे जावे आपको दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं हम, क्योंकि हमारा काम ही यही है, जो हम कर रहे हैं वही आपको दिखाओगे, और आप उसको गलत उसमें मत लो, बस बात। इशो क्या लाएगी? जूती। अच्छा अच्छा, चप्पलों में ही चलेगी रिपजा? जूते इसके कल खेत में चली गई, पैर के सारे गंदे कर लाए, मैंने धो दिए क्या गिल्ले हो रहे थे, मैं तो धोना ही पड़ते फिर, अब क्या करूँ, अब चप्पलों में जा गई, अब जूते जूती लेकर आवेगी अपने, और क्या। तू क्या लाएगी? अभी तो शूज दिखा दो, इसके शूज, इसके पैर में घुंघरू बांध दे तो हला हला के चल रही है, मार मार के चल रही पैर को, चलो तो ठीक है, ठीक है चलो बस। तो जी, हम आ गए थे बाजार से, काफी देर हो गए, 2 घंटे सारे हो गए, आ गए थे, खाना खुना भी खा लिया, और अब मैं देखाती हूँ चाय, मिस्त्री जी को चाय बन गई है, रुचि ने बना दी, इसके पापा यहाँ नहीं है अभी, और मम्मी भी घेर में जा रही, तो मुझे ही जाना पड़ेगा देने के लिए, और चाय दे के फिर हम भी पियेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या सामान लेके आए वहां से। तो जी, मैं दिखा देती हूँ आपको सामान फटाफट से, क्या लाए, बहुत ज्यादा तो लाए नहीं, थोड़ा सा ही है, तो सबसे पहले दिखा देती हूँ कपड़े, कपड़े में लाए, एक तो ये लाई उसका गुड्डू का टॉप, मतलब स्वेटर ही है गुड्डू की, ये है ये गुड्डू का टॉप है, और वैसे तो ले ही आए, बाकी इतना ज्यादा पसंद नहीं आया था, बस ये है जरूरत के हिसाब से ले, मतलब जरूरत थी इसलिए ले लिया, नहीं तो इतना पसंद नहीं आया था मुझे, है तो बिल्कुल सॉफ्ट है बिल्कुल एकदम, और अच्छा भी लग रहा, लेकिन इतना जैसे मैं शादी के लिए इतना ज्यादा ठीक नहीं था ये, और वूलन में कुछ ऐसा मिला भी नहीं था, पार्टी वियर से ही ले लेंगे, फिर गुड्डू गई थी, गुड्डू कहने लगी कि मम्मा यही ले लो, यही ठीक है, एक व्हाइट कलर का भी था लेकिन वो लूज था ज्यादा, तो इस वजह से, तो एक तो गुड्डू के लिए लाई है टॉप, और दूसरा दिखा दूं आपको ईशु के, हाँ ईशु के लिए लाई जुत्ती, क्योंकि जुत्ती इसकी भैया है तो थी यहाँ पे, मैं ले तो रखी थी इसकी, लेकिन वे भैया तिंजोरी और शादी में जाने के लिए थी, सूजी थे वे भी, सूज रोज
जुत्ती पहनती है, तो ये है इसकी जुत्ती ईशु की। और बस दो जोड़ी चप्पल ले गए घर के लिए, एक रुचि के लिए। ऐसा तो ही है, सारी खराब सी हो रही थी। एक जोड़ी लाई रुचि के लिए और एक जोड़ी लाई मम्मी के लिए। दो जोड़ी है सिंपल जो घर पहनने की होती है ये, और एक जोड़ी मैं लाई अपनी चप्पल, क्योंकि मेरी चप्पल भी वही है ईशु गुड्डू की, तो भेज दी इसकी मौसी ने जुत्ती, तो मैं तो आ गई, बाकी चप्पल नहीं आई हमारी, तो मैं ये लेके आई। और इनको लेने के लिए मैंने कम से कम 10 दुकानें देखी, बाकी ले आई, लेकिन इतनी ज्यादा मतलब वो चीज नहीं मिली जो लेनी लेना चाहूंगी मैं, ये है। और वैसे तो मैं हील नहीं पहनती, लेकिन ये नीचे से फ्लैट है, मैं बोल रहे थे कि ज्यादा मतलब हील नहीं, इसमें कमी है, तो ये है। लग तो रही ठीक और लाइट वेट भी है, देखती हूँ पहन के पता चलेगा जब कि ये बिल्कुल सुटेबल होगी या नहीं मुझे। तो ये मैं अपनी चप्पल लेके आई और सॉक्स वगैरह भी लेके आई, दो तीन जोड़ी, एक हेरी और एक हेरी। तो ये तो लेके आए अपना सामान, और ज्यादा तो कुछ नहीं लाए, और लाए हैं जहाँ पे हम जाएंगे ना शादी में, तो उनके लिए जो लड़की है जिसकी शादी उसका जोड़ा लाई, और लड़के का मतलब जो दूल्हा आएगा उसका, तो ये तौलिया लेके आई। ये सारा पैक है, वो खोलने की नहीं, क्योंकि फिर बाद में पैक होता नीचे अच्छे से। और ये लाई पैंट शर्ट, और इसके ऊपर बस ऊपर रुमाल और जुराब और बनियान लगा दूंगी, तो ये कपड़े हो जाएंगे, ये पूरा जोड़ा तैयार हो जाएगा। ये मैं लेके आई, और ये लाई लड़की का सूट, ये भी बहुत ही प्यारा कलर है, ये ना तो पिंक है ना है गाजरी, ये देखिए इसका खोल कर देखो थोड़ा सा, देख लीजिए अलग ही है ना, कलर भी बहुत प्यारा, शेड बहुत अच्छी लगी मुझे इसके, कलर की वजह से ही ज्यादा लिया मैंने। और सिल्क में है ये सूट, बहुत ही सुंदर सूट है, ये देखिए सिंपल सोवर सा और अच्छा बिल्कुल। इसका जो सलवार है ये प्लेन है बिल्कुल ये वाला, और ये सिल्क में इसका सूट है, बल्कि सलवार सिल्क में नहीं है, कुछ और ही कॉटन था या कुछ और होगा पता नहीं मुझे, इतनी ज्यादा पहचान नहीं मुझे कपड़े की, बाकी सूट ही है देखिए कितना अच्छा। और कलर इसका इतना प्यारा है, ये कलर मतलब कभी कभी कोई कलर ऐसा होता है कि देखते ही पसंद आ जाता है, तो ये सूट मुझे बहुत पसंद आया। और दुपट्टा इसका, ये इसका भी हल्की हल्की सी कढ़ाई है, बहुत ज्यादा नहीं है, टेवर का दुपट्टा है। तो जी बस यही सामान लाई, और एक लेके आई थी फेशियल की क्रीम, फेशियल किट, क्योंकि जो पार्लर थे सारे इतनी भीड़ थी, मैं सोच भी रही थी कि करवाया हूँ, और आप सब भी बोल रहे थे कि फेशियल करवा लो, आपका बहुत फेस खराब हो रहा है, हो ही रहा आखिर नहीं, क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी आपको पता ही है कितनी ज्यादा हो रही, काम हो रहा, और आज इतनी भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़, तो फिर मैं किट लेके आ गई, और देखती हूँ अगर टाइम लगा, टाइम तो चल लगी जाएगा, लेकिन तबीयत आज मेरी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा, और बस देखती हूँ अगर टाइम मतलब तबीयत ठीक सी रही तो कर लूंगी, रात को काम निपटा के, वरना तो फिर ये रखा ही जाएगा, फिर कर लूंगी, कभी टाइम नहीं लगा, देखती हूँ। तो ये मैं VLCC का डायमंड वाला लेके आई, गोल्ड और डायमंड यही VLCC का ही लगा करती हूँ मैं, जब भी करती हूँ ये अच्छा मतलब सूट आता है मुझे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो बस यही थोड़ा सा सामान लेके आए, और ये क्रीम है, एक ये ब्लीच है, बस। तो बस अब मुझे ये कपड़े वगैरह लगाने, सारे जो जोड़े मैं वहां लेके जाऊंगी वो भी लगाऊंगी, और जो कपड़े अपने पैक करने, देख कर जो वहां से कपड़े आए थे ना, जो तू ऐसे ही रखे, अब तक कोई कपड़ा मैंने लगाया नहीं, अब ये सारे ले आई, तो रात को देखूंगी जब भी टाइम मिलेगा, जब लगा के पढ़ूंगी, क्योंकि कल जाना, तो कर लेते हैं अपना काम, खाना खुना जो भी बनना था वो बना लेंगे, फिर और देखेंगे, फिर अपनी तैयारी करूंगी जाने की, पैकिंग करूंगी बाद में। तो जी यही थी आज की छोटी सी शॉपिंग, बहुत ज्यादा तो नहीं, मैंने कहा था आपको मुझे ज्यादा नहीं लाना, थोड़ा ही लाऊंगी, तो बस आपको क्या चीज इसमें अच्छी लगी वो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं इसको रख देती हूँ, अब लग जाती हूँ अपने काम पे। तो जी खाना पीना हमारा हो गया है सबका, और बस अब मैं करूंगी थोड़ी सी पैकिंग, ये रखे कपड़े,
लग तो रहा कि लेट जाऊं तबीयत ठीक ना होने की वजह से, लेकिन सोच रही जितना भी थोड़ा, फिर सुबह इतना टाइम नहीं मिलता तो अब कर दूंगी जितना होगा, तो थोड़ी सी पैकिंग कर दूंगी, बैग वगैरह लगा दूंगी। सुबह फिर काम ज्यादा हो रहा है तो टाइम नहीं मिलता, फिर तैयार होने में भी टाइम लगा है इसलिए। तो जी पैकिंग हमारी हो गई है, देखिए ये दो बैग मैंने पैक करके रख दिए हैं पूरे, और काफी सारे कपड़े हो जाते हैं, आपको पता ही है, एक तो शादी में ज्यादा कपड़े होते हैं, दूसरी बात सर्दी है, सर्दी में और भी ज्यादा हो जाते हैं, तो दो बैग पूरे फुल भर गए, और अभी इनमें और भी कुछ रखा जा सकता है कल तक जब तक जाएंगे। वैसे तो मैंने रख ही लिया, फिर भी कोई एक आध सामान ऐसा रह जाता है कि याद नहीं रहता तो वो रख लूंगी। तो ये दो बैग मेरे पैक हो गए, बिल्कुल रेडी करके रख दिए, और बाकी जो ये सामान फैला पड़ा अभी अभी संगवा दूंगी, क्योंकि यहाँ फिर ये नहीं पड़ा रहेगा, इसे रख दूंगी, अपनी फिर रुचि को परेशान होना पड़ेगा रखने के लिए। और मैं सोच भी रही थी मैं का फेशियल कर लूँ, क्योंकि स्किन बहुत खराब हो रही बहुत ज्यादा, तो देखती हूँ अभी थोड़ा सा मूड करेगा तो। बज तो गए 8:30 बज गए हैं, 8:30 बज गए, तो थोड़ा सा ही देखूंगी ब्लीच वगैरह लगा के, बस मसाज कर लूंगी, ज्यादा नहीं करती क्योंकि स्किन बहुत खराब हो रही डल सी, और कल को तो फिर टाइम ही नहीं मिलने का, तो देखती हूँ करके कर लूंगी थोड़ा सा। तो जी फेशियल हो गया है मेरा कंप्लीट, और बस अब मैं करूँगी रेस्ट, और ईशु भी सोगी, मैं भी सोंगी, और बाबूजी तो अभी लग रहे काम पे, और देखते हैं रिजल्ट सुबह ही पता चलेगा कैसा, अभी तो अंधेरे में कुछ नहीं पता चल रहा, लग तो रही चमक सी तो मार रही थोड़ी सी लग रहा कुछ पड़ा अच्छा तो देखेंगे कल को ही पता चलेगा, दिन में देखती हूँ कैसा, थोड़ा सा कोई बहुत ज़्यादा तो मन करा नहीं, फटाफट कर लिया क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा इस वजह से, और तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है, कोल्ड हो ही रहा मेरा पहले से ही, और बहाना हो जाएगा अकेले फेशियल के बिना रह नहीं गया था करके ही गई। एक तो स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, कितने दिन से सोच रही थी कि करूँगी, और वैसा तो होता नहीं तो किसी बहाने से ही हो जा, तो मैंने कर लिया है, बस देखेंगे कल को रिजल्ट। और अब मैं पीऊंगी दूध, गर्मा गर्म दूध लेकर आई, ठंड लग रही बहुत ज़्यादा, बहुत ठंड लग रही मुझे तो, क्योंकि मैं बाहर बैठी थी कपड़े से, अगर कपड़े में बैठी रहती फिर तो इतनी नहीं लगती, और बस दूध पीकर गर्म गर्म सो जाऊंगी। तो बस वीडियो को भी अब यहीं पर रोकूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।